हे गाइस, देखोगे कुछ दिनों से बाज़ार में थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल रही है। वीकनेस का मतलब थोड़ी बहुत कमज़ोरी है जो कि टेम्प्ररी आपको देखने को मिला। तो इस बाज़ार के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो थोड़े भागे हैं, लेकिन लोगों को लगता है वो हाई है, हाई नहीं है। देख लीजिए, आज के डेट में भी गिरावट देखने को मिला है, पिछले 5 दिनों से भी गिरावट देखने को मिला है, ठीक है, पिछले 1 महीने से भी गिरावट देखने को मिला। लेकिन ये क्या है? ये एक वीकनेस है, टेम्प्ररी वीकनेस है। देखो, मार्केट जिस तरीके से 20,000 को टच किया है, जिस तरीके से 20,000 को टच किया, तो ये ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है मार्केट में। आपको बता देना चाहता हूँ, हो सकता है कि यहाँ से 500 पॉइंट केवल ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मार्केट अगर बाई चांस गिरता भी है, कुछ लोगों का मानना है मार्केट गिरेगा गिरेगा करके, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मार्केट अगर गिरता भी है तो हो सकता है कि यहाँ से 500 पॉइंट तक का आपको गिरावट देखने को मिलेगा। जितना पहले गिर रखा 500 पॉइंट, उतना आपको और गिरावट देखने को मिल जाएगा। लेकिन लेकिन उसके बाद जब भागेगा तो कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। फिर जब 21,000 चला जाएगा तो फिर लोग बोलेंगे मार्केट हाई चला गया, हार गया। तो डरपोक लोगों की कमी नहीं है और डराने वाले लोगों को भी कमी नहीं है। उनको पता है कि कस्टमर भाई देखो सिगरेट पीता है, तो देखो गवर्नमेंट खुद ही बोलती है बनाओ बनाओ बेचो बेचो, ITC से कंपनी और मतलब बेचती है। देखो, अगर लोग जहर खाने के लिए तैयार हैं तो लोग कंपनी वो भी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन वो सरकार की तरफ से परमिशन होना चाहिए। लोग कितने भी खतरनाक चीज़ खाने के लिए तैयार हैं, बनाने वाले तैयार है सर, ऐसा है, बस सरकार की परमिशन चाहिए, है कि नहीं? अल्कोहल से कितने लोग, कितने साल में, मतलब हर साल देखो कितने लोग बीमार हो जाते हैं, कितने लोग बीमार हो जाते हैं और क्या क्या नहीं हो जाता, क्या सरकार ने परमिशन दे रखा? फिर भी तो खुलेआम बेचा जा रहा है ना, वही चीज़ होती है। तो डराने वाले लोग हैं यहाँ पर, तो डरने वाले लोग भी हैं, डरने वाले लोग हैं तो डराने वाले लोग भी हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? मार्केट आज 19,300 में है, गिरा हुआ पिछले 1 महीने से, तो डर रहे हो? यही मार्केट 21,000 चला जाएगा तो सबसे ज़्यादा डर लगेगा उस टाइम, और आपको डर लगेगा कि दोबारा भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया था, फिर से छोड़ दिया। और एक चीज़, कुछ लोगों को लगता है कि न्यूलैंड लेबोरेटरीज हाई हो चुका है, तो सर ये हाई नहीं है, ठीक है, हाई नहीं है। आपको मैंने 1200 रुपये में भी बता रखा था, आपको प्रूफ करने के लिए, आप केवल कुछ लोगों का घमंड तोड़ने के लिए, प्रूफ करने के लिए मैंने इस चीज़ को 3000 में भी खरीद कर दिखाया, और आज ये 4000 में चल रहा है। कल ये यही स्टॉक 5000 में चला जाएगा, ठीक है, कल यही स्टॉक 5000 में चला जाएगा। सर, मैं प्राइस से नहीं, वैल्यू से खेलता हूँ। ये देखो, मैं आपको बोलूँगा, जब भी आप देखो ना, तो इसको इरेज कर दिया करो, इसको इरेज कर दिया करो, इसको भी इरेज कर दिया करो, बस इतना ही देखा करो, बस इतना ही देखा करो। अच्छा, मान लीजिए कि किसी कंपनी के बाजू में जाते हो और देखते हो कंपनी का ऑफिस, देखते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, देखते हो बड़ी कंपनी देखते हो, तो क्या नज़र आता है आपको? कंपनी नज़र आती है या फिर उसका प्राइस नज़र आता है? कंपनी नज़र आती है ना, इसलिए मैं बोलूंगा कि ये प्राइस डेली अप एंड डाउन होने वाली चीज़ है। तो ये स्टॉक अभी भी समझ लीजिए कि 5000 बाजू में चला जाएगा, तो लोग और पछताएंगे। और ये जो गिर रहा है ना सर, ये गिरावट पता है क्या है? इसी को तो बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। अब नहीं पता है तो जिस दिन चला जाएगा उस दिन दिमाग खुल जाएगा, है कि नहीं है? और ये 4300 तक गया भी था, तो गिरावट मार्केट का एक टेम्प्ररी पार्ट है जो होता है, और होना भी तो चाहिए, होना भी चाहिए। दूसरा, आप लोगों को याद होगा गोदावरी पावर, ये स्टॉक भी मैंने आप लोगों को बता रखा था, बहुत नीचे में मैंने आपको बता रखा था, लगभग 300 के बाजू में बता रखा था, 300 के बाजू में बता रखा था, ठीक है। और आज ये स्टॉक 600 के बाजू में चलना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये अभी ये लोग, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ये भी हाई पे चला गया, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस देख के लोग यही सारी चीज़ें बकते रहते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कंपनी में और भी बहुत दम है। जिन स्टॉक और ऊपर चला जाएगा तब आपको ऑटोमेटिक प्रूफ मिल जाएगा, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये आपको यही खुद ही दिख जाएगा ना, इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है। तो कभी कभी जब बाज़ार गिरता है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। जैसे देख सकते हो, एक IT स्टॉक नहीं गिरे हैं, सभी गिरे हैं, L&T, Mindtree, Coforge, Persistent, TCS, Infosys, Wipro। इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई सारी कंपनी एक ही साथ डूब जाएगी, ऐसा थोड़ी होता, नहीं होता ना। मतलब इसका मतलब किसी कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, बस सेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है, बस सेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा है। मतलब सेक्टर में प्रॉब्लम है, तो जो सबसे सस्ता मिल रहा है इसमें से हम उस स्टॉक को खरीद के रख सकते हैं, जो सस्ता मिल रहा है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, खरीद के रख सकते हैं। क्योंकि हमें कंपनी का प्राइस नहीं देखना है, प्राइस नहीं देखना है, क्या देखना है, तो केवल कंपनी को देखना है, केवल इतना ही आपको देखना है, इतना आप हाइड कर दो, हाइड कर दो। तो ये जितने भी गिरावट देखने को मिल रहा है, मैं आपको बोलूँगा कि अच्छे स्टॉक को चूज़ कीजिए इस गिरावट में, और अपने पास रखने की कोशिश कीजिए, अच्छा रहेगा। सही है, PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बलिंग देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है, नेस्ले है, हनीवेल आपको देखने को मिला, अबॉट हो गया, बजाज आपको देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है, न्यूलैंड भी, L&T, Mindtree भी यहाँ पर देखने को मिला, मेस्टेक भी है। तो यहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनी है। डिक्सन भी देख लीजिए कहाँ तक चला गया था, 2900 के बाजू में चला गया था, आज देखो 5000 को टच करने वाला है, आज भी थोड़ा बहुत गिरा, तो कोई टेंशन नहीं है, टेम्प्रेरी गिरावट से हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। अतुल देख लीजिए, TVS देख लीजिए, सही है, जिलेट हो गया, बजाज हो गया, परसिस्टेंस हो गया, दिविस लैब हो गया, आइनॉक्स हो गया, ठीक है, अपोलो
हॉस्पिटल हो गया, तो ये सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको देखने को मिले हैं सर, सारे अच्छे अच्छे तो इनमें से आप उन स्टॉक को आइडेंटिफाई कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, फिल्टर कीजिए जो आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। अब देखो एक ही साथ सारे स्टॉक गिर जाएंगे मतलब ये क्या है, अपॉर्चुनिटी है। अगर एक ही साथ केवल एक ही स्टॉक गिरता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक स्टॉक है जो बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ है, हाँ यहाँ पर देख सकते हो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये 7% गिरा हुआ है। मतलब इसमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट स्टेक बेच रही है, और इसमें विकास मल्टीकॉर्प में तो ये खबरों के दम पे जो है भाग रहा था, तो लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे थे, और खबर जैसे ही शांत हो गया तो स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आना स्टार्ट हो गया। और वैसे भी ये बहुत छोटी कंपनी है और ये बहुत बड़ी कंपनी है। ये थोड़ी सी जनरल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया, आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो पैसे ऐसे फ्री में नहीं आते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई पैसे ऐसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, तो स्टॉक मार्केट में लोग सोचते हैं कि बस चीज़ों को खरीदो प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसमें भी आपको अच्छी कंपनी को एनालाइज़ करना पड़ेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में होगा, डिलीवरी चार्जेस फ्री होगा, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।